नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की मसूर दाल बाटी की रेसिपी। तो स्टार्ट करते अपनी नई रेसिपी। यहाँ हमने परात में 6 कटोरी आटा लिया है। आप जितना आटा लेना चाहे उतना ले सकते हैं। तो हमने 6 कटोरी नाप के आटा ले लिया है। तो जिस कटोरी से हमने आटा नापा था उसी कटोरी से हमने सूजी लिया। यहाँ हमने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी ली है। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। और उसी कटोरी से हमने 1/2 कटोरी बेसन लिया है। बेसन से हमारी पार्टी जो और भी स्वादिष्ट लगेगी। अगर आप नहीं गिरना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और साथ में डाल देंगे अपनी बाटियों को फूलने के लिए थोड़ा सा खाने वाला सोडा। इससे हमारी बाटियाँ सॉफ्ट भी बनेंगी और फूलेंगे भी अच्छी। पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे घी। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से हमारी जो बाटियाँ हैं बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो यहाँ मैं 5 चम्मच घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद अच्छे से इस पहले घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद ही हम आटे को लगाएंगे। तो यहाँ मैंने घी को डाल दिया। अब हम आटे में अच्छे से घी को मिक्स करेंगे। मसल मसल के अच्छे से मिक्स करना है अपने घी को। यहाँ मैंने आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर दिया, ये देखिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो बनाएंगे। बाटी के लिए हमेशा सख्त डो बनाया जाता है। तो हम इसका पहले एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रहे हैं। ये देखिए, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल सख्त है, आप देख सकते हैं ये कितना सख्त है। इसी तरह से आपको भी डो बनाकर तैयार करना है। अब हम इस आटे को रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है, हम अपनी दाल को बना लेते हैं। यहाँ मैंने मसूर की दाल ली है। आप चाहे तो जो राजस्थान में बनती है 5 तरह की दालों को मिक्स करके बनाया जाता है, पर हमारे घर में उस दाल को कोई नहीं खाता। तो मैं मसूर की दाल के साथ बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मसूर की दाल ले ली है, जिसको पहले हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 बारी पानी से धो लिया है अपनी दाल को, ये देखिए। अब हम इस दाल को अपने कुकर में डाल देंगे। आप चाहे तो 5 तरह की दाल को मिलाकर बना सकते हैं। अब हम इस दाल में डाल देंगे 2 ग्लास पानी। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसमें हम 1 सीटी आने देंगे। ये दाल हमारी 1 सीटी में बन जाती है, इसलिए मैंने इसको आटा लगाने के बाद बनाई है। तो अब इसको चढ़ा देते हैं गैस पर और अपने आटे को चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे आटे को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें से लोइया तोड़ लेते हैं अपनी बाटी के लिए। तो जितनी बड़ी या छोटी जैसे बनाना चाहते हैं वैसी बाटी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल वैसी बना रही हूँ जितनी राजस्थान में बनती है, उतनी ही बड़ी बना रही हूँ। अब आटे को लेके अच्छे से मसल मसल कर इसकी एक लोई बना लेंगे। देखिए, अच्छे से मसलेंगे तो बिल्कुल चिकनी सी लोई बनकर तैयार हो जाएगी। हाथों में दोनों तरफ मसल के इस तरह से इसका मुँह हम बंद कर देंगे इस तरह से। बस ये हमारी बाटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेते हैं। जितनी एक बार भी हम सेकेंगे उतनी हम बाटियाँ बनाकर रख लेंगे और बाकी आटे को फिर से ढक के रख देंगे, जिससे कि सूखे नहीं। तो ये हमने दूसरी बाटी भी बनाकर तैयार कर ली है। बस ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा दबाना और लोई तैयार हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ मैंने सारी बाटियाँ बनाकर तैयार कर ली, जितनी एक बार में हम सेकेंगे। बाकी आटे को हम ढक कर रख देंगे। इधर मैंने बाटी का कुकर लिया है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। इससे हमारी बाटियाँ बहुत अच्छे से सिक जाती है। अगर आपके पास ना हो तो इसे कुकर में, तवे पे या पे पैन में सेक कर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी बाटियाँ रख दी हैं और मीडियम आंच पर अपनी बाटियों को सिकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारी बाटियाँ सिकती है, हमारी दाल भी उबल गई है, तो हम उसको तड़का लगा देते हैं। तो दाल को तड़कने के लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरा जब तड़क जाएगा तो डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्ची को मैंने काट के डाल दिया है।
अब हम अपनी प्याज को भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, तो अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ एक चम्मच मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल दिया और उसको भी भून लेंगे। कुछ सेकंड में हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है, तो अब हम डाल देंगे एक टमाटर। मैं प्याज और टमाटर कम ही डालती हूँ दाल में, तो आप ज़्यादा डालना चाहें तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हम प्याज टमाटर के साथ ही अपने मसालों को भी डाल देते हैं। तो यहाँ एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और साथ में डाल रही हूँ नमक। तो स्वाद अनुसार हम नमक डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। पानी डालने से हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। मसाला भुनने के लिए हम अपनी कढ़ाई को ढक देंगे और साथ में अपनी बाटियों को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए ये एक तरफ से सिक गई है, तो अब हम सारी बाटियों को पलट देंगे। ये बहुत गर्म होती है, आप चिमटे से या किसी कपड़े से पलट लें। तो सभी बाटियों को हम पलट लेंगे। यहाँ मैंने सारी बाटियों को देखिए पलट लिया है। अब फिर से हम इसको ढक देंगे और ढककर इनको सिकने देंगे। इधर हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं मसाला भुना के नहीं। ये देखिए ये हमारे मसाला भी अच्छे से भुन गया है। देखिए तेल अलग कर दिया है मसाले ने, तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम उसे अपनी दाल डाल देंगे जो हमने उबाल के रखी थी। पहले दाल को मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है, गाढ़ी दाल बाटियों के साथ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर देंगे। इतनी ढीली हमारी दाल होनी चाहिए, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि बाटी के साथ ढीली ही दाल अच्छी लगती है। अब हम ढक देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, तो हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो ऊपर से इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। यहाँ हम अपनी बाटियों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से भी अच्छे से सिक गई है। अब हम इनको खड़ा करके सेक लेंगे। इसी तरह से हम इनको चारों माई से अच्छे से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, मीडियम आँच पे अच्छे से सिक जाएंगी। अगर तेज आँच रखेंगे तो ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो सारी बाटियों को हम खड़ा कर देते हैं और इनको सेक लेते हैं। हमने सबको खड़ा कर दिया है, तो आप फिर से ढक्कन रख देते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। यहाँ दाल में हमारा धनिया डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। इसको रख देते हैं साइड में, इसको ढक देते हैं जिससे कि गर्म रहे। यहाँ हमारी बाटियाँ भी देखिए अच्छे से सिक गई हैं। ये देखिए फट भी गई हैं। अब इनको फिर से पलट लेते हैं और अब बिना ढके हम इन बाटियों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे, जब भी खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी बनेंगी हमारी बाटियाँ। ये देखिए हमने चारों तरफ पलटते हुए अपनी बाटियों को देखिए सेक लिए। चारों तरफ से ये अच्छे से सिक गई हैं, आप देख सकते हैं सारी सिक गई हैं। तो अब हम अपनी बाटियों को निकाल लेते हैं। सारी बाटियों के बाद हम फिर से इनको बाकी बाटियों को भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये बाटियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए ना जली है ना कुछ, और बहुत अच्छे से सिकी थी। तो बाकी बाटियों को भी हम रख देते हैं गैस पर और इनको भी सिकने देते हैं। ये देखिए हमारी बाटी कितनी अच्छे से सिकी है, ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट है। अब लेंगे हम देसी घी और इन बाटियों को अपने घी में डाल देंगे, और घी में डालने के बाद 5 मिनट तक इस घी में ही रहने देंगे, उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो जितनी बाटी आ जाती है उतना हम डाल देते हैं अपने बर्तन में। घी में डालने से हमारी बाटियाँ सॉफ्ट तो होंगी पर खाने में बहुत ही टेस्टी होंगी। राजस्थान में इनको कुछ लोग घी में डाल के खाते हैं और कुछ बिना घी के भी खा लेते हैं।
तो हमारी बाटियों को घी में रखे हुए 5 मिनट हो गया है, तो अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए सारी बाटियों को इसी तरह से रख लेते हैं। अगर आप चूरमा बनाना चाहते हैं तो इनको ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लें और फिर इसमें मीठा डालकर सर्व कर लें। यहाँ हमारी बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनकर भी तैयार हो गई है।